स्वच्छ भारत सफाई मजदूर यूनियन की ओर से चेयरमैन जितेंद्र सिंह चीना की अध्यक्षता में ट्रॉलियां लगाकर धरना लगाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जंगल विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बेमतलब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रोक कर रखा। उन्होंने कहा कि वह मकीनपुर कूड़ा फेंकने जाते थे, जिन्हें कूड़ा नहीं फेंकने दिया गया, जिसके चलते मजदूरों ने भारी रोष जताया। स्वच्छ भारत सफाई मजदूर यूनियन चेयरमैन जितेंद्र सिंह चीना अंबिकापुरा। रोज की तरह सर असी पठानकोट तो कारपोरेशन का कूड़ा लैके जनपद रोड से मकीनपुर जाने हैं। अज के साडे मुलाजम जो ट्रालियां लैके गए थे, तो 14-15 ट्रालियां लैके गए थे। अज जिहड़ा इतों का एक अधिकारी एक मुलाजम हेंकड़बाज जगनाथ महकमे का, उन्हें साडे मुलाजमान 13-14 जन 11 बजे तो लैके 2 बजे तक उन्होंने पुलिस ने अपने पिस्तौल की नोक के उत्ते उन्होंने डक के रखिया। उन्होंने ना वापसी कर दिता, ना उत्थे उन्होंने लाउण दिता। जिस टाइम साडे मुलाजमान ने मैनू फोन किया कि भाजी इस तरह की गलबात है तो तुम आओ, मैं भी गया उत्थे। मैं अपने MLA साहब नूं मैं फोन किया, मैं कहा जी गल करो। MLA साहब नूं भी गाला, मेयर नूं गाला, कहिंदा जी मैं किसे नाल नहीं गल करनी, मेरी भावें मुख्यमंत्री नाल गल करा दो। उस बंदे नूं असीं हत्थ पला जोड़ के उन्होंने करके असीं ट्रालियां अपनियां वापस लै के आए हाँ। हुण उन्होंने जिहड़ा है 3-4 बजे नाल जाके अपने अफसरां नाल मिल के जाके मेरे ते परचा साडे मुलाजमान ने परचा करा दिता, जिहदे विच साडे जिहड़े असीं उन्हां नूं नहीं कसूरवार मानदे, कसूरवार सिर्फ साडे इत्थों दे डॉक्टर NK सिंह और जिहड़ा बिक्रमजीत साडे जिहड़े आ मेयर साहब ने, जिन्हां ने रोज़ की शर्मिंदगी सानू रोज़ जिहड़ी झलनी पैंदी आ। कोई पिंड वाला सानू डक के गाला कढ जांदा, कोई राही कढ जांदा, असीं इस करके हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं जे तुसीं कारपोरेशन नूं संभालण जोगे है तां ठीक है, जे नहीं कारपोरेशन नूं संभाल सकदे तुसीं इस गल तों इस्तीफा दो। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।